अब इस फील्ड का ऐसा हाल हो गया है कि जैसे चौक पर बहुत सारे बेलदार राजमिस्त्री बैठे होते हैं। चलो शुरू करें वंस। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया वैसे हम क्या कंपेयर करने वाले हैं स्विगी और जोमेटो को। अगर आप में से कोई भी कल वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने स्विगी में लगभग 5 घंटे काम करके 184 रुपीज़ कमाया और 4 रुपये का मेरे को शायद जो वेटिंग टाइम है बाद में मैंने रेज किया था रिक्वेस्ट उसके बाद मिला था, वो आप देख सकते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, आई बटन पे दूंगा या फिर चैनल पे जाके कल वाली वीडियो देख लो तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो तुम बंस? ये अच्छा अच्छा हेलमेट, ओके अच्छा हमें पता, मैं भूल गया था अपन को हेलमेट का भी काम है ना। चलो यहाँ रख दो। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ। ले आओ बंस, कॉलिन ले आओ, साफ करो। तो दोस्तों ये जो देख रहे हो आप, ये मेरे माउंट है ना। ये माउंट मैं लगाता हूँ अपने इसमें यहाँ पे, जैसे ये मेरा पुराना हेलमेट है, इसको तो मैं यूज़ करता था, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ यूज क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका वेट है। हाँ दिखाओ वंस ये वाला, अभी पापा ये वाला हेलमेट, ये वंस का है ये वाला, अभी पापा मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टील वर्ड का है, SBA 21 के नाम से। तो अभी हो क्या रहा है पता नहीं कि इसमें ना ये जो है देखो यहाँ पे ये वाला छूट जा रहा है बार बार, ऐसे लगा रहा हूँ और एमसील बार बार छूट जा रहा है, यहाँ लगा रहा हूँ और छूट जा रहा है, फिर लगा रहा हूँ फिर छूट जा रहा है। तो देख रहे हो एमसील का कितना गट्ठा बन गया है। तो एमसील के अलावा कोई अगर जानते हो कि मैं किस चीज़ से इसको फिक्स कर सकता हूँ प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ। मैं पिछले 2 दिन से बहुत परेशान हूँ, डेली 1 एमसील मेरा जा रहा है। तो तनु ने मेरे लिए 4-5 एमसील के बॉक्स ला के रख दिए कि अब, बट दिक्कत ये है कि एमसील में ये लगने के बाद। सो बंस को काम पे लगा दिया, हेलमेट साफ कर रहा है। और आप में से कोई भी अगर ये वाला पाउच यूज नहीं करता, बरसात आ चुका है तो ये ले लो, बहुत सारे मोबाइल दुकान पे भी मिल जाता है। मेरा टैंक बैग है देखो, एक और यहाँ पे रखा हुआ है मेरा, ठीक है ना। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो ये चीज़, और बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। ये हो गया, इसके अलावा रोप होते हैं बहुत सारे, रोप में यहाँ पे रख के डाल के रखता हूँ, आप लोगों को पता होगा, दिखा देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये देखो अगर मेरे को कुछ चीज़ पता है तो आप लोग भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट करो तो अच्छा होता है ना। लोग क्या करते हैं पतला नॉर्मल रस्सी बांध देते, उससे ख़राब हो जाता है चीज़ें। देखो यहाँ पे मेरा रस्सी है, ये देखो आ गया ना रस्सी, ये एक लाल है। इसके अलावा और भी रस्सियाँ हैं बहुत सारी, मतलब मैं 3 रस्सी टोटल लेके चल। वंस अपना काम बहुत अच्छे से करता है, देख रहे हो पूरा हेलमेट एकदम क्लीन कर देगा। हाँ देखो ये हेलमेट का फ्लैशर है, ये भी मैं लेके आया हूँ, इसका भी वीडियो ना ऑटो ब्लॉग पे डालूंगा प्रॉपर। इसको यहाँ पर ऐसे चिपका के दिखा दो सबको, देखो ऐसे दिखा दो एक बार। हाँ ये देखो मैं ऐसे लगा देता हूँ, मस्त लगता है फिर, है ना वंस। ये वंस के हेलमेट में भी लगाएंगे हम लोग। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कल जो है सिर्फ 3.5 घंटे लॉग इन किया था, और 3.5 घंटे लॉग इन करने के बाद 4 ट्रिप करी हैं। 4 ट्रिप में 4 ऑर्डर मैंने करी हैं जिसमें से 219 रुपये की मेरी अर्निंग हुई है। वहीं अगर आपने स्विगी वाला मेरा पूरे दिन रात का जो 5 घंटे का व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने सिर्फ 188 रुपये I mean 184 रुपीज़ सिर्फ कमाई किया था। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है वो मैं कुछ समझ में आया कि स्विगी में ना बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस तो वही होता है, आप सोसाइटी के बाहर तक का अगर डिस्टेंस दिखा रहा है, और लोकेशन स्विगी में बहुत पास का दिखा देता है कि हाँ ये है, बट वहाँ से एक्चुअल लोकेशन और उतना ही पड़ जाता है। ठीक है मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के आपको दिखाता हूँ, ये मेरी उस दिन की राइड है आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं कोई एक बड़ा सा राइड उठाते हैं, जैसे कि ये क्वालिटी का जो उसमें 6.9 किलोमीटर में चला था, जिसमें 39 किलोमीटर 6.59 किलोमीटर है ना, मतलब लगभग 7 किलोमीटर 17 मिनट, जिसमें मुझे 39 रुपीज़ मिला है। ठीक है अब मैं कोई सेम ऑर्डर जोमेटो का जो कि मैंने कल काम किया, ये वाला स्क्रीनशॉट में देखो दोस्तों, इसमें 44 रुपीज़ मुझे मिला हुआ है। जोमेटो जो पिकअप था वो बिल्कुल पास में ही है, मतलब मैं रेस्टोरेंट के बाहर ही हूँ, रुक जाओ यार बंस, ठीक है। और 3.21 किलोमीटर का इसका ड्रॉप है, मतलब कि जितना मैंने स्विगी में गया था उसका भी आधा, लेकिन रुपये कितना दे रही है जोमेटो वो आप देखो, 44 रुपये दिया है, और जबकि इसमें 3.21 किलोमीटर है और उसमें 7 किलोमीटर था। तो मुझे ये थोड़ा सा फ़र्क लगा दोनों में कि यार जोमेटो जो है ज़्यादा देती है, भले आप 1 किलोमीटर भी ड्रॉप कर रहे हो ना तो आपको पैसा ज़्यादा दे रहे, लेकिन स्विगी में आपको 10-15 रुपये ऐसे मिल रहा था, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा। भाई बंस ना हेलमेट पहनेगा, लो अभी हेलमेट पहनेगा, नो डिस्टर्ब, लो भाई दिखा, हेलो करके जाओ एक बार, आ रहे हैं, आ जाओ, थैंक यू, अदू, चलो जाओ। मुर्गा कैसे करता है? कैसे कर, कर, कर।
अरे वाह, जाओ। तो मुझे एक अपने भाई ने कुछ कमेंट करा था इसी को लेकर, स्विगी जोमेटो के काम को लेकर। ये हमारे सब्सक्राइबर भाई, इनका नाम है हासिम अली, देख सकते हो आप। ये कह रहे हैं भाई अब इस फील्ड का ऐसा हाल हो गया है कि जैसे चौक पर बहुत सारे बेलदार राजमिस्त्री बैठे होते हैं, ठीक है, और जैसे ही कोई काम लेकर आता है उसे सब पकड़ लेते हैं। ऐसा ही स्विगी जोमेटो का हाल हो गया है। तो फाइनल कंक्लूजन मेरी ओर से, मेरा ये है, मेरा एक्सपीरियंस जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जोमेटो में तो मुझे काफ़ी दिन हो गए करते करते, बट स्विगी में मुझे 5 या 6 बार मैं लॉगिन हुआ हूँ। तो स्विगी में ना बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स भी होते हैं और जो काउंटिंग है वो प्रॉपर नहीं होता है, मेरा ऐसा है, और जोमेटो के मुकाबले इसमें पैसा कम मिलता है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी देखिए, इसी काम से दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना घर परिवार चला रहे हैं, और एक भाई मुझे ऐसे मिले थे जो जोमेटो से इतना ज़्यादा गुस्सा थे, वो 7-8 उन्होंने ऑर्डर कैंसिल किया, कहते जब जोमेटो काम नहीं देती हमें और पैसा नहीं दे रही तो मैं क्या करूँ, कैंसिल करके वो जो है वो सामान खुद खा जाता है, फैमिली के पास ले जाता है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। और मुझे लगा यार अचानक याद आया, शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों ये मेरा दोनों कंपनी को लेकर कंपैरिजन था। बाकी हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी को कभी ज़्यादा कभी कम पैसा मिलता है, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, और बाइक टैक्सी के बारे में, अब हम मैं वही चलाऊँगा, ओबियसली वो मेरा शौक है तो मैं उसको ज़्यादा करूँगा, हाँ, बट मैं फूड डिलीवरी भी करता रहूँगा जिससे कि कुछ एक्सपीरियंस गेन होता रहे। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए एज ऑलवेज, गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय। थैंक यू।